दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। प्राचीन काल से ही हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज रसोई घर में रखे मसालों का इस्तेमाल कर किया जाता था। हमारे किचन में मिलने वाले मसाले किसी औषधि से कम नहीं होते हैं। ऐसा ही एक मसाला है धनिये के बीज। धनिया भारतीय पकवानों का एक अहम हिस्सा है। धनिया को सिलेंट्रो या चीनी अजमोद भी कहा जाता है। धनिया एक छोटा सा पौधा होता है, यह पकवान का स्वाद ही बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनिया सिर्फ स्वाद देने के लिए नहीं, तो धनिया के कई सेहतमंद फायदे भी हैं। यह वजन कम करने, यहाँ तक कि डायबिटीज से लड़ने में भी मददगार है। धनिया में आयरन, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी के साथ ही फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है, जो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। धनिया डायबिटीज को नियंत्रित करने का काफी पुराने समय से प्रभावी पारंपरिक उपचारों में से एक रहा है। द ब्रिटानी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक यह पाया गया कि धनिये के बीज में कुछ यौगिक होते हैं, जो ब्लड में आने पर एंटी हाइपरग्लाइकेमिक इंसुलिन डिस्चार्जिंग और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं धनिये का पानी कैसे बनाएं। 10 ग्राम साबुत धनिया लें। अब धनिये को 2 लीटर पानी में भिगो दें। इसे रात भर के लिए ढककर रख दें। सुबह इसका पानी निकाल लें और इस पानी को खाली पेट पिएं। आप पूरा दिन भी इस पानी को पी सकते हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज से बचना चाहते हैं, तो साबुत धनिये का पानी जरूर पिएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।